बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गुड मॉर्निंग। रात को हल्की हल्की के हल्की हल्की से भी ज़्यादा ठंड थी। रात को बड़े ही मज़े का मौसम था। बगैर पंखे के मैं सोया हूँ, फिर भी ठंड लग रही थी। तो अभी रातें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ठंडी ही हुआ करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता भाई साहब सर्दियाँ आने वाली हैं। थोड़ी देर बाद इधर से सूरज तुलू होगा। ये शुआएँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह सूरज की हैं और पहाड़ नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि अपने इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं ना तो YouTube की तरफ से एक गोल्डन प्ले बटन आता है भाई साहब, अवार्ड आता है। तो उसको आने में कुछ दिन लगते हैं। आई थिंक अमेरिका से आता है, तो अमेरिका तो बहुत दूर है ना हमसे, तो वहाँ से आते हुए फिर टाइम लगता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया हुआ था, तो आज 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 अपना गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। चूँकि हम गांव में रहते हैं तो यहाँ पे ना सिर्फ सिर्फ पाक पोस्ट काम करती है। पाक पोस्ट के ज़रिए ही चीज़ें आ जा सकती हैं, उसके अलावा और कोई कोरियर सर्विस जो है ना वो काम नहीं करती। तो ये YouTube की तरफ से जो अवार्ड आता है ना, ये UPS कोई कोरियर सर्विस है, जैसे DHL है, TCS है, वैसे ही ये UPS है। तो उसका ऑफिस जो है वो सियालकोट है, तो हमें सियालकोट जाना पड़ता है। इससे पहले हमारे जितने भी सिल्वर प्ले बटन्स आए हैं और एक गोल्डन प्ले बटन आया है, हमने वहाँ से ही जाके रिसीव किया है। लड़का जा रहा है जी सियालकोट अपना गोल्डन प्ले बटन लेने के लिए। प्लान था कि हम सब भाई जाएंगे, भाई मुबशर, भाई मुदस्सर, भाई मुकर्रम, मैं, स्क्लैन भाई, हम ये पाँचों जाएंगे। लेकिन 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 भाई मुकर्रम बिजी हैं थोड़ा वो फैमिली में, तो इसलिए फिर वो हमारे साथ जा नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुदस्सर भी काम लगे हुए हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों भाइयों को डिस्टर्ब करना है। तो मैं और स्क्लैन चले जाते हैं और अपना गोल्डन प्ले बटन लेके आ जाते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हम सब जाते, फिर मज़ा बड़ा आना था, बट चलो कोई नहीं। भाई मुदस्सर गाड़ियाँ जो है ना चमका के रखते हैं। अगर यही बात मुझ पर और भाई मुबशर पर होना कि गाड़ियाँ एकदम साफ़ रखनी हैं, तो कभी गाड़ियाँ साफ़ ना हों, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये भाई मुदस्सर की हिम्मत है कि उन्होंने दोनों गाड़ियाँ जो है ना चमकाई होती हैं, नहीं तो गाँव में रहते हुए गाड़ियों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ये नहीं लेके जा रहा, मैं इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। इसका हॉर्न जो है ना वो ख़राब हो गया हुआ है, टी 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 इसका ख़राब हो गया हुआ है करोला का। तो हमारे रोड पे टीटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले नहीं इतनी फील होती थी, जब इसका टी ख़राब हुआ ना फिर भाई साहब फील हुआ है कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आज किया लेके जाऊंगा मैं। तो वाइपर्स को नीचे कर लेते हैं, पहले आगे वाला करूँगा मैं। चलो भाई नीचे हो जाओ, आराम से जाइए। चलो भाई, ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी खड़ा है और ये कीचड़ है सारा, ये सारा कीचड़ है। तो टायर जो है ना इस साइड वाले वो गंदे होंगे ही होंगे। थोड़ी कोशिश करूँगा मैं इधर से करके गाड़ी गुजारूँ, लेकिन फिर भी हो जाएंगे। यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से टर्न होना है मैंने, तो यहाँ पे जाके हो जाएंगे। जब मैंने गोल्डन प्ले बटन के लिए अप्लाई किया तो उससे कुछ दिन बाद ना मुझे ट्रैकिंग नंबर मिल चुका था। तो मैंने पूरी नज़र रखी हुई थी कि मेरा गोल्डन प्ले बटन जो है ना, हमारा गोल्डन प्ले बटन जो है वो कहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचा है, पूरी नज़र रखी हुई थी लड़के ने। तो कुछ दिन बाद मुझे UPS की तरफ से ईमेल आई कि 26 सितंबर मंडे वाले दिन आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। सही है, तो मुझे डेट कंफर्म हो चुकी थी कि मंडे वाले दिन तो मतलब मेरा गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा। तो संडे वाले दिन यानी 25 सितंबर को सुबह के टाइम, आई थिंक सुबह का ही टाइम था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक DM रिसीव हुआ। मैंने मैसेज पढ़ा, मैं हैरान। मैसेज कुछ यूँ था कि कंग्रेचुलेशन जैन भाई, आपका गोल्डन प्ले बटन जो है ना वो लाहौर पहुँच चुका है। अभी मैं हैरान था कि भाई को कैसे पता चल गया कि मेरा गोल्डन प्ले बटन लाहौर पहुँच गया। तो मैंने उनको फ़ौरन रिप्लाई किया कि आपको कैसे पता चला, मैंने उनको रिप्लाई किया, लेकिन उनका अभी तक जवाब नहीं आया था। तो मैं इसी सोच में था कि भाई को कैसे पता चला। मैंने फिर भाई की प्रोफाइल खोली तो फिर मुझे पता चला कि भाई जो है ना वो एयरपोर्ट पे काम करते हैं। तो अपना गोल्डन प्ले बटन जो है ना वो फ्लाई करके आया हुआ है, तो इसलिए भाई को पता चल गया है कि अपना गोल्डन प्ले बटन लाहौर पहुँच गया। तो कल लाहौर था, आज सियालकोट है, और कुछ दिन देर बाद अपने पास होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अपनी गैंग जो है ना, अपनी जैनियंस जो हैं, हर तरफ फैले हुए हैं, पूरा अपडेट रखते हैं।
बहुत दफ़ा होता है कि कोई चीज़ कहीं पे होती है, फॉर एग्जांपल मैंने उज़्बेकिस्तान का वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे नहीं अभी तक पता चला था कि मेरा वीज़ा लग गया हुआ है कि नहीं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही DM आता है कि कंग्रेचुलेशन जैन भाई, आपका उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लग गया है, और साथ ही वीज़े की तस्वीरें भी आ गई मुझे। मैंने कहा यार अपने सब्सक्राइबर्स जो है ना, अपने जैनियंस जो हैं हर तरफ फैले हुए हैं, बस ये आपका प्यार है। तो अभी चलते हैं और गोल्डन प्ले बटन लेके आते हैं बादशाह। इतनी सारी भैंसों को संभालना भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ पैसे चाहिए थे तो अभी मैंने निकलवाए हैं। पिछले कुछ दिनों से सियालकोट हमारा आना जाना इतना ज़्यादा हो गया हुआ है ना कि क्या बताऊँ। हमारे गांव से सियालकोट 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो 1.5 घंटा या 1.5 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। अगर ट्रैफिक कम है 1 घंटा 1 घंटा 10-15 मिनट में हम इजीली सियालकोट पहुँच जाते हैं। तो अभी हम सियालकोट पहुँच चुके हैं, बड़े मज़े से हम आए हैं। तो ये लड़का जो आगे है ना बाइक पर, ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, ये पता नहीं किस मौज में जा रहा है, ऐसे ऐसे बाइक को कर रहा है। तो मैंने इधर से होना है लेफ्ट, यहाँ से हमने अपने दोस्त को उठाना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका ऑफिस किस जगह पे? बाहर वाला को लेके आना जो। जी जी ओके भाईजान, हम आए बस, हम आ गए बस। ओके थैंक यू। हाँ जी सर, आपको एड्रेस की समझ आ गई है ना? फिजान भाई और अपने कबीर भाई, इनको हमने लिया है उठा, अभी चलते हैं और जाके ले गए आते हैं भाई साहब गोल्डन प्ले बटन। जिस दिन मेरा मिलियन होएगा ना उस दिन मैं मीटअप करना, पहला मीटअप मैं उस दिन ते हुन तेरा मिलियन हो गया। यार पता नहीं क्यों कबीर भाई आपको दिल की बात बताऊ ना, ओदू पता नहीं सी के ओदू तो लख भी नहीं सी, तब पता ही नहीं था मैंने मिलियन हो जाना है। तो मैं सच बताऊं ना, मुझे बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं कि मीटअप मीटअप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर बहुत लगता है मीटअप से। यार ही तेरे नाल ना। 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 कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पता नहीं शोरूम में मीटअप रहा जाएंगे ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਂ ਮੀਟਅਪ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਪਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਤਾਈਏਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਤੋ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सियालकोट हमारे लिए बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना गोल्डन प्ले बटन आ चुका है बादशो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फीलिंग है भाई साहब, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। यही तो निकाल रहा, यही तो मसला मेरा। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता क्या है? किसी को नहीं पता क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। ये की चक्कर आ जाते फिर सोच नहीं कड़ी के पहले ही पता है क्यों, क्योंकि पहले भी कई बार छुट्टी बड़ी यकीन था यार। मैंने वॉच उतार के अपनी गोद में रखी हुई थी, तो गोल्डन प्ले बटन की खुशी में भाई साहब वॉच मेरे जहन में नहीं रही, मैं गाड़ी से उतरा हूँ और मेरी वॉच जो है ना वो नीचे गिर गई। मुझे कोई पता नहीं था, मैं अंदर जाके ऑफिस में बैठा हूँ, पीछे से अंकल आए हैं गार्ड थे जो, और उन्होंने आके मुझे वॉच पकड़ाई है, और मैं हैरान परेशान कि कैसे गिर गई वॉच। फिर मेरे जहन में आया वो तो उतार के मैंने गोदी में रखी थी, तो अंकल की वजह से वॉच वापस मिली है मुझे। ये दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा तो गुम गई थी, कोई उठा के ले गया था, लेकिन ये फिर वापस आ गई, फिर कहीं छोड़ने लगा था मैं तो फिर मुझे याद आ गया, और ये भी तीसरी दफ़ा हुआ है कि गिर गई थी तो वापस मुझे मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी में, इसकी खुशी में वॉच चली जाती है। हमको सबवे वालों से और सबवे वालों को हमसे ना मोहब्बत हो गई हुई है। अब आजकल हम सबवे ही खा रहे हैं भाई साहब, और आज कबीर भाई ने और फिजान भाई ने बताया कि ये हेल्दी होता है। टूट गया थोड़ा जनाब, पेप्सी भी डाइट वाली ली गई है।
कबीर भाई इन्होंने ना गाँव में ना मैं नहीं था इनके साथ इन्होंने डाइट कोक ना ले ली सबने और जब पी तो वो कोई जायका ही नहीं उसका तीन लिए ना हमने मैंने भी मैंने कहा शायद ये खराब हो मैंने दूसरे से पूछा मैंने हसन भाई कैसी है यार मेरी भी उस तरह की खराब है हम गए उसके पास हमने कहा यार ये खराब ये सही नहीं है ये मीठी नहीं है वो कहता ये शुगर फ्री है आपके लिए गाड़ी देखने जा रहे हैं बादशाह हम आपको अभी नहीं दिखाऊंगा जब लूंगा तभी आपको दिखाऊंगा बाकी एक गाड़ी पसंद कर ली हुई है पता नहीं अब आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं मुझे तो डर है कि आप लोग गालियां ना दो ये क्यों गाड़ी लिया तुमने पर चलो कोई नहीं हमें अब पसंद आ गई हुई है क्या कर सकते हैं चलो भाई अभी भाइयों को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है मेरी कोशिश थी कि दिन में वापस चला जाऊंगा मैं और जाके ना गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग कर दूंगा लेकिन हम शहर में ही लेट हो चुके हैं तो अभी मुझे लग रहा है कि सुबह ही अनबॉक्सिंग होगी तो अभी अल्लाह हाफिज़ बाकी मेरी तरफ से गाड़ी डन है अभी ढूंढनी लेने देने का काम जो है ना वो ये भाई करेंगे ये जो है ना चश्मे वाले भाई हमारे फिजान भाई ये ओके भाई जान अल्लाह हाफिज़ किसी दिन भी आपको एकदम से ही नोटिफिकेशन आएगी कि ज़ैनुल आबिदीन ने गाड़ी ले ली है बस आप तैयार रहें बेल आइकन को ज़रा प्रेस कर लें ताकि आपको ना लेटेस्ट से लेटेस्ट व्लॉग्स की अपडेट मिलती रहे सुबह सुबह का टाइम है 6:20 हो रहे होंगे तो धुंध देखें कितनी ज़्यादा है यार ये कहाँ से आ गई है अचानक से धुंध अभी सुबह मैं फजर की नमाज अदा करके आया हूँ तब तो साफ मौसम था धुंधी धुंध है भाई साहब धुंध अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई तो ये हिसाब है सर्दियों में तो भाई साहब पता नहीं क्या होगा वही खुशबू है जो सर्दियों में धुंध की होती है ना सेम और धुंध जो है मजीद अभी बढ़ चुकी है एक घंटे से ऊपर टाइम अभी हो गया है जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना वो एक घंटा पहले था अभी एक घंटे बाद आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये रहा जी अपना गोल्डन प्ले बटन रात को मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और ये एड्रेस वगैरह इधर सब कुछ लिखा हुआ था तो टेप की मदद से मैंने सब कुछ दिया है छुपा तो अभी इसे खोलते हैं बाकी ये सारे स्टिकर इनको पीछे लगाने चाहिए थे ताकि इधर क्लियर सामने यूट्यूब नजर आए खूबसूरत लगता लेकिन उनकी मर्जी जी क्या कह सकते हैं तो अपना गोल्डन प्ले बटन मैं खुद अनबॉक्स नहीं करूंगा मेरी अम्मी जान करेंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी तो अभी अम्मी जान पास ही हैं तो अभी अम्मी जान से अनबॉक्स करवाते हैं अपना गोल्डन प्ले बटन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माँ जी हथे छुरी वाओ तो ऐदन लाइयो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ ऐसा इतने हाँ जी माँ जी माशाल्लाह ताओ माँ जी पढ़दा वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो ये भी पढ़ते हैं थोड़ी देर तक इसको साइड पे रख देते हैं ये रहा जी अपना गोल्डन प्ले बटन वाह माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ जी माँ जी किस तरह का लग गया अपने छोटे मुंडे का गोल्डन प्ले बटन खोल के बहुत सोना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग गया अल्लाह का बड़ा एहसान है बॉक्स के अंदर से ये कार्ड निकला है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इस कार्ड के अलावा ये एक पेज भी आया हुआ है ये भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं यू डिड इट तीसरा भी है तीसरा जो है ना ये नीचे पड़ा हुआ है रिकॉग्नाइज योर टीम इसके अंदर हम अपना मुंह वगैरह देख सकते हैं अपने बाल वगैरह देख के सेट कर सकते हैं क्लैपिंग करें अरफा वाओ चाचू का गोल्डन प्ले बटन आया है क्लैपिंग करें शाबाश सच्चे अभी मैं भाई बशर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ अपना गोल्डन प्ले बटन भाई जान मुबारक हो जनाब खैर मुबारक वैसा ही है जैसा सेम हाँ बाकी वो जो साथ पेपर आता है ना वो जिस पे वो यूट्यूब सारा लिखा होता है आपके वाले पे था कि आपकी जो ऑडियंस है 1 मिलियन वाली वो फलां शहर से बड़ी है अब वाले पे नहीं है मतलब आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है अभी जल्दी 10 मिलियन इंशाल्लाह चाहिए इंशाल्लाह
8:30 होने को हैं और हल्की हल्की धुंध रह गई है और वो सूरज देख सकते हैं आप सामने, चांद की तरह नज़र आ रहा है, चांद की तरह। और अभी मैं गोल्डन प्ले भाई मुदस्सर को दिखाने के लिए आया हूँ। भाई मुदस्सर को मैंने कॉल की थी लेकिन भाई मुदस्सर ने कॉल उठाई नहीं, बस अभी घर पे हों सही। अभी अभी भाभी से पता चला है कि बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गए थे और वापस ही नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, किसी काम गए होंगे। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ वापस, तो भाई मुदस्सर को मैसेज या कॉल कर दूंगा, वो उसी घर आके देख लेंगे गोल्डन प्ले बटन। और रह गए पीछे अब्बू जान, अब्बू जान को भी दिखाना है लेकिन अब्बू जान कहाँ हैं मुझे नहीं पता सच बताऊँ तो। घर जाके देखता हूँ, घर में मुझे मिले तो नहीं, हो सकता है टीवी देख रहे हूँ, मैंने उनके कमरे में नहीं देखा। अब्बू जान आ गए हैं जी। अब्बू जी जिंदाबाद पुत्र, मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह ने तेरे बड़ा करम किया, तेरे ते बहुत ही करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब्बू जान ने भी देख लिया है अपना गोल्डन प्ले बटन, पीछे भाई मुदस्सर रह गए हैं, अभी पता नहीं वो कहाँ पे हैं, जब भी आएंगे उनको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अपने सब फैमिली मेम्बर्स को मैंने गोल्डन प्ले बटन दिखा दिया है, भाई मुदस्सर रह गए हैं, वो घर पे नहीं हैं। तो अभी टाइम हुआ जाता है जी अपने दोस्त सकलैन को गोल्डन प्ले बटन दिखाने का, क्योंकि वो सबसे अच्छा दोस्त है मेरा आप कह सकते हैं। हर हालात में वो मेरे साथ रहा है, जब भी मैंने उसे आवाज़ दी है भाई साहब उसने कभी मुझे ना नहीं कही, जब भी मैंने उसे बुलाया है ना वो कहता है कि ओके राणा साहब मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, खैर मुबारक भाई साहब। दूसरा दोस्त अपना आउट ऑफ कंट्री है, मतलब उसका नंबर नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ पे है। चार सिल्वर प्ले बटन हैं और एक गोल्डन प्ले बटन है, एक सिल्वर प्ले बटन मेरा है वो रहा इधर, दो भाई मुबशर के सिल्वर प्ले बटन हैं और एक भाई मुदस्सर का सिल्वर प्ले बटन है और भाई मुबशर का गोल्डन प्ले बटन और अब एक मेरा गोल्डन प्ले बटन। भाई मुदस्सर आ रहे हैं, भाई मुदस्सर आ रहे हैं, भाई मुदस्सर आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक तो भी बड़ी। मैं आपको खैर मुबारक, मैं आपको ढूंढ रहा था, वो मैं बच्चों को छोड़ने गया, फिर बाइक की चाबी गुम हो गई थी, फिर उसका स्विच चेंज करवाया। हाँ जी, मैंने अपना गोल्डन प्ले बटन अभी इधर नहीं लगाया, सोन में लगाऊंगा, पता नहीं इधर लगाऊंगा या कहाँ पे लगाऊंगा। वैसे इधर यही सेट जो है ना खूबसूरत लग रहा है, चार सिल्वर प्ले बटन्स और एक गोल्डन प्ले बटन, तो मैंने वापस पैक करके रख दिया है अपने वाला गोल्डन प्ले बटन। सो थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मैं यूट्यूब शुरू करूँगा, लेकिन आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव में रहने वाला लड़का जिसके गांव में सर्विस भी नहीं है, अभी तक हमारे गांव में नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा मसला है, अपने गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर जाके वो वीडियो अपलोड करता है और उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उसे फिर यूट्यूब जो है गोल्डन प्ले बटन सेंड करता है, भेजता है। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, तो अगर एक गांव में रहने वाला लड़का ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं। कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप YouTube पे हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी हैं, बस लगे रहें, एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, 10 मिलियन होंगे तो अभी फिर डायमंड प्ले बटन जो है ना वो आएगा YouTube की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द। लगे हुए हैं, जैसे 1 मिलियन पे पहुंचे इंशाल्लाह सोन 10 मिलियन पे भी पहुंच जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। मैं सो गया हुआ था, अभी उठा हूँ, वीडियो एडिट की है और एंड करने वाला रह गया हुआ था, ये किया है और अभी फिर अपलोड करने जाऊंगा यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर।